आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। कल जेल टास्क के दौरान उमर रियाज को अनदेखा करते हुए सभी वीआईपी नजर आए। इस बात पर उमर रियाज ने रिएक्ट किया और तेजस्वी भी सामने भड़कती हुई नजर आई। जब ये टास्क खत्म हो गया उसके बाद आधी रात को लाइव फीड में हमने देखा कि तेजस्वी करण कुंद्रा से ये बात करते हुए नजर आए कि उमर रियाज को कहीं ना कहीं आज के टास्क के दौरान बुरा लगा है, क्या हम उससे जाकर बात कर सकते हैं। और वीकेंड का वार में भी उसने मुझसे थोड़ा सा झगड़ा किया था जो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मुझे उससे बात करनी है। तो करण कुंद्रा ने बोला कि हाँ, हम उससे जरूर बात करेंगे और वो एक समझदार इंसान है, वो इस बात को समझ जाएगा कि तुम्हें कहाँ पे बुरा लगा। और नेहा भी यही करती आ रही है कि वो हमारी बॉन्डिंग को तोड़ना चाह रही है। इस बात पर करण कुंद्रा ने आगे बोला, और यहाँ पर मैं तेजस्वी तुम्हें बता दूँ कि हम दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि अगर हम एक दूसरे के साथ बात करेंगे तो वो मेरी बात को समझेगा और मैं उसकी बात को समझूंगा। बिग बॉस 15 हाउस में पहले दिन से करण और उमर दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी दिखी है और इस बात का खुलासा करण कुंद्रा वाकई में तेजस्वी के साथ करते हुए नजर आए कि पहले दिन से ही मेरी उसके साथ कनेक्शन बना हुआ है और मैं उसका बहुत ही अच्छा दोस्त हूँ, वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। ऐसे में मैं उसके नेचर से वाकिफ हूँ और अगर हम उसके साथ बैठ के अच्छे से बात करेंगे तो वो इस बात को समझ जरूर जाएगा कि हमें कहाँ बुरा लगा और वो आगे से ऐसी हरकत नहीं करेगा। कहीं ना कहीं कुंद्रा इस बात को और आगे बढ़ाते हुए नजर आए कि नेहा भी चाहती है कि हम तीनों का बॉन्ड टूट जाए और वो इसी ताक में लगी है कि उमर और मेरा तो बॉन्डिंग खास करके टूट जाए, लेकिन मैं उमर को बहुत ही समझदार मानता हूँ। चाहे कोई भी टास्क हो, चाहे मैं दूसरे में भड़क जाए, लेकिन हमारी बॉन्डिंग ऐसी नहीं है कि कोई तीसरा आकर इसको तोड़ दे। अब ऐसे में करण कुंद्रा ने एक बहुत ही खुलासा बड़े प्यार से कर दिया और तेजस्वी को भी समझा दिया, चक्की चाहे वो तुम हो चाहे वो नेहा हो, कोई भी हम दोनों के बीच की फ्रेंडशिप या बॉन्डिंग को तोड़ नहीं सकता। तो करण कुंद्रा ने बहुत ही अच्छे से जवाब देते हुए तेजस्वी को समझाया और उमर रियाज को समझदार बताते हुए कहा कि अगर हम कोई भी बात उससे डिस्कस करेंगे जो हमें बुरी लगती है, उसको वो जरूर समझेगा और वो उसको दोबारा दोहराएगा नहीं। तो यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं उमर रियाज और करण कुंद्रा की दोस्ती पर, कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसी ही एक्सक्लूसिव खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।